फ्रेंड्स, कैसे सब लोग, हम आ चुके एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पे काफ़ी समय के बाद मैंने वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड थी, इसलिए मैंने ये बॉटनी की वीडियो बनाया है। हालांकि बहुत समय से मैंने कुछ प्रॉब्लम के कारण मैंने वीडियो नहीं बनाया था और आज मैं बॉटनी का वीडियो बना रहा हूँ और इसमें सभी क्वेश्चन आपको एमसीक्यू यानी आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इसलिए यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ पर आपके जो आपका सिलेबस है बॉटनी का, यहाँ पर देख लेते हैं। आपके 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर में मैं इस वीडियो में आपके 3 चैप्टर के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताता चलूँगा और हर क्वेश्चन के आंसर भी नीचे दिखाए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं पहला चैप्टर के। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बॉटनी मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी है। हालाँकि जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये आपके लिए तो अच्छे क्वेश्चन क्योंकि आप इस लगत पढ़ रहे हैं। मैंने तो जो आपकी फिजिक्स की मैंने जो BSc की थी वो PCM से की थी, तो इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो मुझे समझ में ना आए। तो हालांकि आंसर तो सभी के आपके दे देंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे कि यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। यहाँ पर कह रहे हैं वैज्ञानिकों ने ब्रायोफाइटा के बीच रेखा, तो ये अधूरे से क्वेश्चन होते हैं ना, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आते। जैसे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या दिया है, इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर है कवक एवं टेरिडोफाइटा। तो ऐसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऐसा लगता है पूरा है ही नहीं। आप लोग कुछ समझ सकते हैं तो इन्हें ज़रूर रिप्लाई कीजिए कि पूरा क्वेश्चन क्या है इसमें। हालांकि ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हैं, आपके ही सिलेबस के क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि आपके जो पेपर होगा उसमें सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। देख लेते हैं पहले क्वेश्चन से, यहाँ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लीवर वर्ट अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं। ऐसा क्वेश्चन होता है, अधूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पूरा क्वेश्चन खुद करेंगे। लीवर वर्ट अंतर्गत होते हैं, किसके अंतर्गत होते हैं, ऐसा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखेंगे थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह दिया है कि ब्रायोफाइटा की मुख्य पादप शरीर है, तो ब्रायोफाइटा की मुख्य पादप शरीर क्या है, तो स्फेरोफाइट या गैमीफाइट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आपका बी सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैमीटोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि ब्रायोफाइटा उगने के लिए चयन करते हैं वायु में या जल में या शुष्क भूमि या नम छायादार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा आपका, नम तथा छायादार। कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, मिसप्रिंट हो सकते हैं, तो उनकी जानकारी आप ही लोगों को बता सकते हैं कौन सा इसमें थोड़ा मिस्टेक है। हालाँकि सारे क्वेश्चन यहाँ सही होंगे, इसीलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि आंसर भी मैं नीचे आपके शो करा दूँ। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, इसके अनुसार मैं आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। हालांकि मैंने कभी बॉटनी पढ़ी तो नहीं है, मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैंने जो फिजिक्स BSc की थी वो PCM से की थी, तो बॉटनी मेरे सिलेबस नहीं था, ठीक है। तो आपको मैं सारे क्वेश्चन करा दूंगा, यहाँ पे आप लोगों को इसकी आवश्यकता है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। देख लेते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ। यहाँ पे 3 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नम एम छायादार हो जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने ब्रायोफाइटा के बीच रेखा कवक एवं टेरोफाइटा, ये क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर सी बताया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिया, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पूछा है कि फ्यूनेरिया पौधा है, तो फ्यूनेरिया किसका, फ्यूनेरिया पौधा है, सीधा है या धरातलीय या पार्श्वीय या तिरछा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 का राइट आंसर होगा सीधा, ऑप्शन नंबर यहाँ ए से होगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है सफेगनम कहलाता है, पीट मास या पार्ड मास या बाघ मास या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 6 का ऑप्शन दिया है, इनमें से सभी, ये ऑप्शन यानी पीट मास या पार्ड मास या बाघ मास, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, इनमें से ये सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 7 असत्य एलेटर पाए जाते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा, N3 सिरोटॉल में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है कि फ्यूनेरिया मास है, तो द्विलिंगी है या एकलिंगी है या इनमें से दोनों है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी द्विलिंगी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हॉर्न बॉल्ट पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोसीटोपिस्डा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा, एंथ्रोसीटोपिस्डा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यह दिया, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बायो बायो
फाइट के एंथ्रोजोइड एंथ्रोजोइड हैं क्या है, द्विक सामिक या एक सामिक या अक्सामिक या बहुसामिक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विक सामक। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि आपके किसके किसने ब्रायोफाइट से परिचित कराया था। तो किसने, वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो किसने ब्रायोफाइट से परिचित कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायून ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए से हो जाएगा, ब्रायून ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 13, पूछ रहा है कि प्रोटीन प्रोटोनिमा पाई जाती है। तो प्रोटोनिमा पाई जाती है किसमें पाई जाती है, मांस में या क्लब में या लीवर वाल्टू में या हॉर्न कार्टू में। तो क्वेश्चन देखो कैसे कैसे नाम होते हैं, लीवर वाल्टू में या हॉर्न कार्टो में, तो ये तो सब क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप इससे वाकिफ होंगे। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, मास में। ठीक है, मास में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि बायोफाइटो की मादा जननांग है कौन सा है। तो आपको ये बताना है जननांग है तो कौन, बायोफाइटा के मादा जननांग है उगोनिया, कार्पोगोनिया या ऑर्किगोनिया या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्किगोनिया। ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आर्कोगोनियम के वेंटर में अंड कोसा के अतिरिक्त कोसा है, कवर कोसा, ग्रीवा नाल कोसा या वेंटर नाल कोसा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वेंटर नाल कोसा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सी हो जाएगा। ठीक है, वेंटर नाल कोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि एंथ्रोजोइड में रूपांतरित होने वाली कोसा का नाम क्या है। तो एंथ्रोजोइड में रूपांतरित होने वाली कोसा का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा, एंड्रोसाइट कोसा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा, एंड्रोसाइट कोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ देख लेते हैं, बायोफाइटो को स्पोर मात्र कोसा है। तो अगुणित या द्विगुणित या त्रिगुणित या बहुगुणित। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 18, पूछ रहा है कि सबसे छोटा ब्रायोफाइट है। तो सबसे छोटा ब्रायोफाइट कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा जूपसिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा, जूपसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, जिन पौधों में बीजाणु तथा भ्रूण उत्पन्न होते हैं किंतु बीज एवं समन ऊतकों का अभाव होता है, आप इसे किस समूह में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफाइटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस में प्रोटोनिमा पाया जाता है। निम्नलिखित में किस में प्रोटोनिमा पाया जाता है। तो राइजोबियम या फ्यूनेरिया या मार्केसिया या चीड़ में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 21, कह रहा है कि निम्न में किस में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो निम्न में किस में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूनेरिया। ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 22, ब्रायोफाइट के एंथ्रोजोइड में एंथ्रोजोइड है द्विक सामिक या एक सामिक या अक्सामिक या बहुक सामिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विक सामिक। ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, किस में ब्रायोफाइट से परिचित कराया जाता है। किसने ब्रायोफाइट से परिचित कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे आंसर देख लेते, ब्रायून, ब्रांड या बावर या बकनर ने। क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायून ने। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि प्रोटोनिमा पाई जाती है। तो प्रोटोनिमा पाई जाती है मांस में, क्लब में या लीवर में, लीवर बाटों में या हॉर्न बाटों में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, मास में। ये सारे शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन अभी पूछे गए थे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 था और 12 था, यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटेड हैं, डबल बार हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए इन्हें। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रोटोनिमा पाई जाती है, प्रोटोनिमा किस में पाई जाती है, मांस में। ये तो क्वेश्चन हो गया अभी, मांस में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, बायोफाइटों के मादा जननांग हैं। तो शायद ये भी क्वेश्चन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर क्या था आपका,
आर्कोगोनिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पूछा है कि आर्कोगोनिया के वेंटर में अंड कोशा के अतिरिक्त कोशा है, कवर कोशा, ग्रीवा नाल कोशा, वेंटर नाल कोशा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, वेंटर नाल कोशा, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि एंथ्रोजोइड में रूपांतरित होने वाली कोशा का नाम है, तो एंथ्रोजोइड में रूपांतरित होने वाली कोशा का नाम क्या है, तो एंड्रोगोनिल कोशा, एंड्रोसाइट कोशा और कि स्पोरिल कोशा या इनमें से सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बीस हो जाएगा, एंड्रोसाइट कोशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि ब्रायोफाइटास की स्पोर मात्र कोशा है, अगुणित या द्विगुणित या त्रिगुणित या बहुगुणित। क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया सबसे छोटा बायोफाइट है, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सबसे छोटा बायोफाइट कौन सा है, तो जूपियस, तो जूपसिस, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, ये भी शायद रिपीट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय ब्रायोलॉजिस्ट किस जिसने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी वो कौन था, तो आपको बताना है अभी साहनी या पी माहेश्वरी या एस आर कश्यप या के सी मेहता। क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एस आर कश्यप, ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है कि ब्रायोफाइट में मात्र बीजाणु कोशी होते हैं, तो ब्रायोफाइट में मात्र बीजाणु कोशी होते हैं, अगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है ब्रायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो ब्रायोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका जे हेडविक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि एक बायोफाइट किस लक्षण के कारण टेरिडोफाइटा से भिन्न है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा संवहन बंडल की अनुपस्थिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 34, ब्रायोफाइट की युग्म कोदभिद में पाए जाते हैं, सह संवहन बंडल या केवल फ्लोएम या केवल संवहन बंडल नहीं या कोई संवहन बंडल नहीं या ट्रैकिड्स, तो क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रैकिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 35, युग्मकोद्भिद की अंतिम कोशा है, युग्मक बीजाणु या लेटर या युग्मनज, तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युग्मक। ठीक है, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है कि ब्रायोफाइटा में स्पैरोफाइटा का विकास प्रारंभ होता है, जाइगिट से, थैलस से या गैमेटोफाइटा से या सभी से होता है, क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका जाइगिट से, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन का वाद किया था, किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 37 के यहाँ पे आंसर दिया है बावर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है कि एंथ्रोसिरोस में युग्मनज विभाजित होकर रचना बनाता है, तो एक कोशीय या दो कोशीय या चतुष्कोशीय या अष्ट कोशीय, क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अष्ट कोशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 39, पूछ रहा है कि एंड्रोजॉइंट होते हैं एक काशीविक या द्विकाशीविक या एक काशीविक एवं लंबे या द्विकाशीविक एवं चक्रीय एवं टेढ़े चक्रीय ऐठे हुए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा द्विभाषिक एवं चक्रीय ऐठे हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंतिम में आया पहले चैप्टर का, एंथ्रोसिरोटाइप्सडा के सदस्यों को सामान्य कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, हॉर्नबर्ड्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। हर क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन फर्स्ट से फोर्टीन क्वेश्चन तक आंसर यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, आगे चल लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर दूसरे से यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं कि रिक्सिया की कौन सी जाति जलीय है, तो याद रखना कौन सी है,
फ्यू टेंस, ऑप्शन नंबर आपका बी सी, डी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिया, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि रिक्शिया का मूलाभास होता है एकाकोशीय या बहुकोशीय, तो एकाकोशीय होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिया है नर्स कोश का किसके बीजाणु धानी में पाई जाती है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका रिक्शिया, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख ले, तो क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि मार्केंसिया में प्रकाश संश्लेषणी क्षेत्र के विषय में क्या तथ्य है, तो क्वेश्चन नंबर फोर का यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषी अवकाशों युक्त होता है, प्रकाश संश्लेषी अवकाश रंध्र होते हैं जो अपाक्ष सतह पर खुलते हैं, और ऑप्शन सी दिया है प्रकाश संश्लेषी तंतु शामिल अशाखित पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि मार्केंसिया में वायु छिद्र कितनी कोशिकाओं से बना होता है, तो मार्केंसिया में वायु छिद्र कितनी कोशिकाओं से बना होता है, तो क्वेश्चन नंबर फाइव का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 16 से 46, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मार्केंसिया जो के जैमा का अंकुरण होकर कितने सुकाए बनते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स का यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है मार्केंसिया के इलेटर पर कितने सर्पिल स्थूल पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन का यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है कि मार्केंसिया में पाए जाने वाला पर्ड हरम होता है, कैसा होता है, पर्ड हरम होता है प्लेटनुमा या कप के आकार का या फीते के आकार का या तारानुमा, तो क्वेश्चन नंबर एट का यहाँ पे आंसर दिया है आपका प्लेट नुमा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर नाइन की मार्केंसिया में स्त्रीधानी में सुरक्षात्मक संरचना पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सी हो जाएगा, पेरिकाइटियम, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 11, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ देख लेते, कह रहा है कि मार्केंसिया में स्पैरोफाइट में सुरक्षात्मक कवच होता है जिसमें उपस्थित होता है, क्वेश्चन नंबर टेन का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कैलीपेट्रा, पेरीगाइनियम एवं पेरीकाइटियम, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि रिक्शिया की कौन प्रजाति चली है, रिक्शिया की कौन प्रजाति जली है, वैसा क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिफ्ल्यूटेंस, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि रिक्शिया की चली प्रजाति में पाए जाने वाले राइजोट्स होते हैं अनुपस्थित या चिकनी भित्ती वाली या प्यूबर कुलेट या दोनों चिकनी भित्ती वाली या प्यूबर कुलेट, तो ऑप्शन नंबर यहाँ कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुपस्थित, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रिक्शिया में एंथ्रीडियम है अंडाकार या गोलाकार या नाशपाती घर या फ्लास्कनुमा, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नाशपाती घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 14 रिक्शिया का स्पोरोफाइट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, केवल कैप्सूल वाला, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि रिक्शिया के स्केल हैं, तो रिक्शिया के स्केल हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का बहुकोशीय लिग्यूलेट, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 16 रिक्शिया में थैलस की किस ओर से अपस्थानिक शाखाएँ निकलती हैं, क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निचली सतह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 रिक्शिया का शाकन है कौन है, आपको ये बताना है, तो मोनोपोडियल पार्सी या डाइकाटोमस या उपयुक्त में कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाइटकाटोमस, डाइकाटोमस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सी हो जाएगा, डाइकाटोमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 किस वैज्ञानिक का रिक्शिया में से संबंध है, तो यहाँ वैज्ञानिक पूछा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, हर चैप्टर में जो भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे वैज्ञानिक के, तो वो एग्जाम में आने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक का रिक्शिया से संबंध है, तो राम उदार, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 19 मार्केंसिया मैं आर्किगोनिया को घेरने वाले सामान इन्वोल्यूकर
को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर हो जाएगा आपको, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर यहाँ डी, पेरीगाइनियम, ऑप्शन नंबर क्या डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैरोफाइट विभाजित होते हैं सुविकसित फुट सीटा तथा कैप्सूल में, एंथ्रोसोस, एरिक्सिया या मार्केंसिया या सैग्नम। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्केंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 21, मार्केंसिया में अब स्थानिक शाखाएँ वर्दी प्रजनन हेतु थैलस के किस भाग से निकलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, N3DO4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आर्किगोनियोफोर की डिस्क की सतह है अवतल, उत्तल या दो अवतल एवं उत्तल या समतल, या दोनों अवतल एवं उत्तल या समतल है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा उत्तल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन नंबर 23, गोलाकार गैम्बो कब किस वायोफाइट में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा मार्केंसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केंसिया में कितने प्रकार के राइजोट्स पाए जाते हैं, दो प्रकार, तीन प्रकार के या एक प्रकार के या अनेकों प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार के पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्केंसिया में किस प्रजाति में पृष्ठाधारी थैलस पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मास्टर या क्या से बोल लेते हैं, पॉलीफार्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा, ठीक है। आप इसे अपने से पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ दिया है, गैम्मा पाए जाते हैं रिक्सिया में या एंथ्रोसिरोसोस में, सिरोस में या मार्केंसिया में या स्फैग्नम में। तो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्केंसिया में। अगला क्वेश्चन है दिया, क्वेश्चन नंबर 27, लीवर वर्ट अंतर्गत होते हैं थैलोफाइटा या वायोफाइटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बायोफाइटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 28, ब्रायोफाइटा की मुख्य पादप शरीर होता है। तो ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर होता है स्पैरोफाइटा या गैमियोफाइटा या दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गैमेटोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, किसकी आर्किगोनियम की ग्रीवा में 5 कोशिकाएं कतारें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पेलिया, ठीक है, पेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 30, स्केल या ट्यूबर कुलेट डाइजोइट किस बायोफाइट में नहीं होते हैं, पेलिया या एंथ्रोसियोस या स्फेरम या सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि रिक्सिया के एंथेरोजोइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्विपक्षिकाय, द्विपक्षमिकीय, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं, रिक्सिया के स्केल होते हैं बहुकोशीय या अपेंडिकुलेट या बहुकेशीय लिग्यूलेट या एकाकोशीय लिग्यूलेट, या ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुकोशीय लिग्यूलेट, ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि रिक्सिया में किसकी क्रिया के द्वारा थैलस की वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा, एकल एकल कोशा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 34, रिक्सिया की पुंधानी होती है। तो रिक्सिया की पुंधानी होती है अंडाकार, गोल या नाशपाती या फ्लास्क के आकार की। तो क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल आकार, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, मार्केंसिया में हरित लवक होता है कप के आकार का या तारा के आकार का, अंडाकार या फितानुमा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मार्केंसिया का बीजाणु कोविद किसके द्वारा संरक्षित होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी दे रहा है, एक संरचित आवरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सी हो जाएगा, आवरण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिया, क्वेश्चन नंबर 37, किसके बीजाणु कोविद में विभज्योकी ऊतक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दिया है, एंथ्रोसिरोसिस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि उस बायोफाइट का नाम बताइए जिसकी थैलस की कोशिकाओं में हरित लवक के साथ पाइरिनॉइड पाया जाता है।
तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा, एंथ्रोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 39 की हेपेटिकोपिस्डा का प्रभावी पौधा कौन सा है, प्रभावी पौधा होता है अगुणित कैसा होता है ये पूछा है, अगुणित द्विगुणित या त्रिगुणित। क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए अगुणित। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि लिवर वर्टस में अलैंगिक जनन का प्रमुख प्रकार है ट्यूबर का बनना, जेमा का बनना, या विखंडन, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का 40 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, विखंडन। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 एंथ्रोसिरोस के मूलाभूत मूलाभास होते हैं समतली शाखिक एकाकोशिकीय, तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बता दूँ तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ही सही है, समतली शाखिक एकाकोशिकीय। ठीक है ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ देख लेते हैं। एंथ्रोसिरोस में सल्क होते हैं जीवाकार या उपांगिका युक्त या उपयुक्त दोनों, या सल्क नहीं पाए जाते। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा, सल्क नहीं पाए जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 एंथ्रोसिरोस की श्लेष्म गुहिकाओं के छिद्र पाए जाते हैं अपाक्षतल में या अभक्षतल में या दोनों तलों में या पार्श्व सिरों पर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी सी हो जाएगा, अभ्यक्ष तल पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे कि एंथ्रोसिरोस में कंद का निर्माण सुकाय के किस भाग पर होता है, वृद्धि बिंदु के निकट, पार्श्वों पर, या अवक्ष तल पर, या उपयुक्त सभी स्थानों पर। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या दिया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया है, उपयुक्त सभी स्थानों पर। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि एंथ्रोसिरोस के संपुट में कोलियोमेला का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या दे रहे हैं, स्टूडेलेटर्स, इस्यूडोलेटर्स। ठीक है ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि एंथ्रोसिरोस में प्रसूतक का निर्माण होता है, किससे निर्माण होता है ये पूछा, संपूर्ण अंतःथीसियम से या बाह्यथीसियम की बाहरी परत से। तो क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे 6 का राइट आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिया है, बाह्यथीसियम की बाहरी परत से, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाह्यथीसियम की बाहरी परत से, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 47 स्केल नहीं पाए जाते हैं, इरिक्सिया, मार्केंसिया या एंथ्रोसिरिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 47 का यहाँ पे राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोसिरोस में। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। उर्ध बेलनाकार स्पोरोगोनियम में किसमें पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर दिया है ब्रायोफाइटा में। अगला क्वेश्चन है आवासीय लेटर किसके स्फेरोफाइटा में पाए जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे आंसर दिया है एंथ्रोसिरोस में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 एंथ्रोसिरोस में स्फेरोजीनियस ऊतक बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गैमीफाइट ऊतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि लंबे समय तक स्फेरोफाइटा वृद्धि करता है क्योंकि इसके आधार पर विभाजन ऊतक होता है, एक्सिया या मार्केंसिया या एंथ्रोसिरोस या फ्यूनेरिया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 का राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोसिरोस एंथ्रोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉर्नबॉल्ड किसे कहा जाता है, तो हॉर्नबॉल्ड किसे कहा जाता है, एंथ्रोसिरोस, एरिक्सिया या फ्यूरेंसिया या मार्केंसिया। क्वेश्चन नंबर 52 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथ्रोसिरोस एंथ्रोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 करेंगे थैलस में एंडोफाइटिस सवाल पाए जाते हैं, पोलियो, एरिक्सिया या एंथ्रोसिरोस या कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंथ्रोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 फोटो सवाल पाया जाता है किसमें, थैल्स, क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे मैंने देखा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे एंथ्रोसिरोस है और क्वेश्चन नंबर 44 का भी राइट आंसर यहाँ पे एंथ्रोसिरोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोसिरोस में राइजोट्स हैं तो कैसे हैं, आपके केवल चिकनी भित्ती वाले या केवल प्योबरकुलेट या अनुपस्थित या बहुकोशिक। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल चिकनी भित्ती वाले। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते, क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कह रहा है कि एंथ्रोसिरोस में डाइएजोइट, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि स्पैरोफाइट किसकी वाह त्वचा पर स्टोमेटा होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंथ्रोसिरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 57
किस में सजीवता होती है, तो एंथोसिरोस में। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सेकंड चैप्टर के, आगे चलते हैं। थर्ड चैप्टर यहाँ दिया है, इसके भी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप देखेंगे सारे सेकंड चैप्टर के सारे क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर दिए गए हैं। आपके 56 क्वेश्चन थे यहाँ पे, 56 सेवन 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 क्वेश्चन थे 57, तो सभी के आंसर यहाँ दिए गए, नोट कर सकते हैं आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं चैप्टर नंबर 3 का। यहाँ पे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके भी आपको आंसर यहाँ नीचे दिए गए हैं, आप चाहे तो खुद ही स्वयं इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अपलोड करता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो सारी पीडीएफ, ये पीडीएफ के सारे आपको मिल जाएंगे, इससे आने वाली वीडियो भी आपको वहीं वीडियो की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ही मिलेंगी। इसमें देखेंगे 55 क्वेश्चन है, देख लेते हैं सेम पहले क्वेश्चन से। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हर चैप्टर से, हर टॉपिक से, हर आपका विषय जो भी होंगे सबकी पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाती है। तो पहले क्वेश्चन से यहाँ देख लेते हैं कि पूछ रहा है वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स है तो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन नंबर हाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स में बीजाणु मात्र कोशिकाएँ होती हैं, अगुणित या द्विगुणित या बहुगुणित। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख ले, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ रेडियो फाइटर में सोराई किससे ढके होते हैं, तो इंडूसियम से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि वैस्कुलर पौधा किस समूह में कैम्बियम अनुपस्थित होती है, तो याद रखना किसमें, आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, टेरिडोफाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि एपोगैमी खोजा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिटेरिस क्रेटिका, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है कि एपोस्पोरी किस पौधे में खोजा गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, एथायरियम फ्लिग्स फ्यूमेनिया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में जाइलम किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, ट्रेकिड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ दिया है कि वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स है, तो वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लेते, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या दिया है यहाँ पे, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे आपको देखना है जालरम परिवर्तित नलीरम है, या सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सेकेंड दिया है बी ऑप्शन, नलीरम परिवर्तित जलारम्भ है, या तीसरा सेकंड और थर्ड ऑप्शन यहाँ फ्लीकेलिस के सदस्यों में पर्णांतराल नाली है, या ऑप्शन नंबर चौथा है एक पर्ण विदर नाल रम को नली रंग में परिवर्तित कर देता है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, फ्लीकेलिस के सदस्यों में पर्णांतराल नाली है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देख लेते हैं, कह रहा है कि किसके द्वारा बायोफाइटा और टेरिफाइटा की एब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया गया था, तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंगलर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, टेरिडोफाइटा पौधा का मुख्य शरीर है, तो टेरिडोफाइट पौधे का मुख्य शरीर है युग्मों को या बीजाणुभूत, या क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 का आंसर सीधा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर है बी दिया है, बीजाणुविद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिख लिया क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि अधिकतर आदि फॉसिल वैस्कुलर क्रिप्टो गेम्स में रखे गए हैं, किस में रखे गए हैं, यहाँ पे देखें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये ऑप्शन दिया गया है इसमें रखे गए हैं साइलोफाइटोलेजिस, या आपका ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है राइजोनिड्स, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका कैलेविटम और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा, साइलोफाइटोलेजिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देख लेते, क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि राइनिया की प्रकाश संश्लेषण भाग का नाम क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर यहाँ वायवीय शाखाएं, ऑप्शन नंबर यहाँ सी दिया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ कह रहा है कि जीवाश्म पादप है,
कौन सा है तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15, राइनिया की जीवाश्म उसकी को कौन सी अवस्था दर्शाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विषाणु द्रुविद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राइनिया में स्टील होती है, तो राइनिया में स्टील होती है नालरम्भ या जालरम्भ या ठोस रम्भ या नलीरम्भ। क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी ठोस रम्भ। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, लाइकोपोडियम को सामान्य रूप से कहा जाता है तना, जड़, क्लोन या कलीव मास। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी कलीव मास। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि लाइकोपोडियम को गैमेटोफाइट किसके द्वारा किसके साथ सह संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे आंसर दिया है कवक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रोटोकार्म किस टेरिडोफाइट में पाया जाता है, तो लाइकोपोडियम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। कह रहा है कि लाइकोपोडियम में बीजाणु उत्पन्न होते हैं, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा होमोस्पोरम पोरस से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यूरोस्टेकिया का एक उपजाति है, यूरोस्केटिया एक उपजाति है किसकी है, ये अपना लाइकोपोडियम की या सिलेजिनेला की या साइकस की या राइनिया की। तो क्वेश्चन नंबर 21 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकोपोडियम की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मूल गुलिकाएं द्वारा कायिक जनन किसमें होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यह दिया क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे राइट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लाइकोपोडियम किसके लाइकोपोडियम क्लेवेटम के प्रोथेलस में जननांग बनते हैं, तो किस पर बनती है, केवल ऊपरी सतह पर या केवल निचली सतह पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे 3 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए केवल ऊपरी सतह पर। ठीक है, ऊपरी सतह पर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि रोपेलोस्टेकिया में होती है, तो क्या होती है, बीजाणुगत कायिक बीजाणुपर्ण कायिक पर्ण से बड़ी होती है, बीजाणुपर्ण कायिक पर्ण से छोटी होती है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 का डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर बी बीजाणुपर्ण कायिक पर्ण में छोटी पर्ण से छोटी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे का बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है सिलेजिनेला का सामान्य नाम क्या है। तो सिलेजिनेला का सामान्य नाम क्या है, तो देख लेते। क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या है कि स्मॉल क्लब। ऑप्शन नंबर यहाँ डी दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिया क्वेश्चन नंबर 26, किस पौधे में स्वभाव पाया जाता है, तो किस पौधे में स्वभाव पाया जाता है ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सिलेजिनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, सिलेजिनेला के स्पोरेजियम का विकास किस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पे आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी यूस्पोरेंजिएट। ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, किस सब डिवीजन का सिलेजिनेला सदस्य है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का यहाँ पे आंसर दिया ऑप्शन नंबर आपका डी लाइकोसीडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी दिया लाइकोसीडा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29, एपोस्पोरी की खोज किसने की थी, एपोस्पोरी की खोज की थी आपके वैज्ञानिक ने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे आंसर दिया है किस वैज्ञानिक ने, तो डूरे ने। किस वैज्ञानिक ने, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 30, पूछा आकार की दृष्टि से सिलेजिनेला का राइजोफोर माना जाता है, तो मूल गोपरहित जड़ को या पर्णविहीन प्रतोप को या अपूर्व अंक या उपरोक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे आंसर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सी दिया उपरोक्त सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि सिग्यूल की सीथ कोशिकाओं में अंतस्वेत्चा जैसी कैप्सीरिया पट्टियाँ होती हैं, तो किसमें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। 32 कह रहा है कि अनिश्चित जननीय अपयुग्मन किसमें पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, सिलेजिनेला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ देख लेते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसका संगुष्म बीजाणु बीजाणुक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का यहाँ पे राइट आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, सिनेजिनेला ग्रेसिलिस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कह रहा है कि फर्न प्रेथेलस में पानी तथा खनिज किसके द्वारा शोषित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का यहाँ पे आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी दिया है, मार्सिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, जाइलम समांतर पट्टियों में बटा होता है तथा फ्लोएम का एकांतर होता है किसे। तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे प्राचीनतम प्रकार की ठोस रम कौन सी है, एकल रम या रिय रम या पटिल रम या मिश्र ठोस रम। तो क्वेश्चन नंबर 37 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र ठोस रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अच्छी रम का संबंध है, तो अच्छी रम अरे ब्रह्म का संबंध किससे है, तो ये बताना है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपको, ठोस रम से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया, मिश्रित ठोस रम पाया जाता है, तो मिश्रित ठोस रम किसमें पाया जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मार्सिलिया, ऑप्शन नंबर इसका भी डी से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 40, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 40 भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि रम्ब दंत का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, तो वैज्ञानिक रिलेटेड ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा, वानटिगम एवं ड्यूटियम ड्यूटियट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का, काफ़ी था अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया क्वेश्चन नंबर 41, नाल रम का पथविहीन रम्ब है, तो कौन सा है, सत असत अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 41 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका इस ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि मार्सिलिया के प्रकंद में पाए जाने वाला रम कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ओभयत फ्लोएसी नाल रम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देख लेते हैं। 43 कह रहा है कि टेरिडोफाइट के स्पैरोफाइट होते हैं अकुलित, ऑप्शन नंबर यहाँ ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, बीज स्वभाव पाया जाता है, तो मार के किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, क्या है, सिलेजी मेला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि हेट्रोस्पोरी पाया जाता है, किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का यहाँ पे आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, मार्सिलिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि हेड्रोस्पोरियम टेरिडोफाइट में युग्म को उद्भिद का विकास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोकोस एंडास्पेरिक, ठीक है, एंडोस्पेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, विषम बीजाणुविद का अर्थ क्या है। तो विषम बीजाणुविद का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 47 के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़े एवं छोटे बीजाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म टेरिडोफाइटा विषम बीजाणु किसे बीजाणुकता को दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहे हैं गुरु एवं लघु बीजाणु प्रायः बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, एक ही पौधे की अलग अलग बीजाणु धानियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देख लो, क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे देख लेते हैं। गुरु एवं लघु बीजाणु धानी का विकास किस अवस्था तक समान होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बीजाणु मात्र कोशिकाएं विभेदित होने तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, इक्विसिटम की उत्पत्ति इक्विसिटा से हुई, जो कैसा है, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है, फ्रेंच शब्द है या इंग्लिश शब्द है। क्वेश्चन नंबर 52 का यहाँ पे आंसर देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिए किस कौन सा शब्द है, ग्रीक शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 की इक्वी सिस्टम
सिटम का तना होता है तो कौन सा होता है, भूमिगत राइजोम या 5V या भू या सी या क्रीपिंग। क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे सही जगह भूमिगत राइजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विसिटम में प्रकाश निषेध की क्रिया कहलाता है तना क्रिया करता है, ये क्वेश्चन है। संश्लेषण की क्रिया कौन करता है, तना, पत्तियां, राइजोम या जड़ें। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तना द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एवं, इक्विसिटम के राइजोम से निकलने वाली शाखाएँ स्वभाव से होती हैं, कैसी, वंद, उपजाऊ या ए भी दोनों हो जाएंगी। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए भी दोनों, वंद एवं उपजाऊ दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। यहाँ पर भी आप आंसर यहाँ पे देख लेते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ दिए गए, नोट कर लीजिए। PDF से आई तो मैंने आपको बताया कि आप टेलीग्राम में, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे आपको हर चैप्टर की PDF वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं, तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।